छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पौधारोपण कर किया। कोरबा वन मंडलाधिकारी अरविंद पी ने बताया कि योजना के तहत 563 हितग्राहियों के 900 एकड़ निजी भूमि पर व्यावसायिक तरीके से 360,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनकी भूमि पर यह वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है। इस साल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें प्राइवेट जमीन पे हम लोग कमर्शियल प्लांटेशन करने का प्लान था। इसमें कोरबा मंडल में लगभग 900 एकड़ और 563 हितग्राही को चयन किया गया है और उसमें 360,000 पौधा का वृक्षारोपण का काम अभी चल रहा है। उसी कमर्शियल प्लांटेशन को एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के उद्देश्य से ये 10 एकड़ का एक जमीन अगर चयन किया गया है और इस 10 एकड़ का प्लॉट में हम लोग उस वाणिज्यिक वृक्षारोपण को किस तरीके से करना है और कैसे करना है करके इधर प्रशिक्षण भी होगा आगे में और इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के उद्देश्य से हम सभी लोग इधर आए हुए हैं। और इससे हम केवल वनों को बढ़ोतरी केवल वन क्षेत्र में नहीं है लेकिन वन के बाहर जो क्षेत्र है उससे भी हम पेड़ को लगाए हैं। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा रिसदी के समीप 10 एकड़ जमीन पर वाणिज्यिक तरीके से पौधारोपण कर किसानों को इसकी विधि से अवगत कराया गया। इस मौके पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि शासन की इस योजना के तहत पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा तो इसका लाभ न केवल किसान बल्कि पर्यावरण को भी मिलेगा। वृक्षारोपण का भी हमारे वन विभाग के अधिकारी और कोरबा के DFO अरविंद जी जो जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार के मार्गदर्शन में काम करते हुए काफी बेहतर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें आज यहाँ 10 एकड़ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष उनका लक्ष्य है लगभग आपके 37 एकड़ में वृक्षारोपण करने का। कोरबा का जो भाग है वन क्षेत्र है काफी लंबा है, काफी पुराना है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत मुख्य रूप से 5 वृक्ष प्रजातियों की खेती के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के तहत 5 एकड़ तक वृक्षारोपण के लिए 100% अनुदान और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए 50% वित्तीय अनुदान शासन द्वारा दिया जा रहा है।